टीचर यहाँ पे उपस्थित है, हम उनको कोऑर्डिनेट बोल के स्टेट में अपॉइंट्स कर रहे हैं। इससे आगे हर स्कूल, हर हायर सेकेंडरी में, हर घर ध्यान ये कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स के थ्रू होगा। दे आर देल ऑर्गेनाइज द कार्यक्रम, उनके स्कूल में, हायर सेकेंडरी कॉलेज में ऑर्गेनाइज करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर वहाँ जाएगा और हर स्टूडेंट्स हर घर ध्यान कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होगा और ही इज टू प्रैक्टिस इन उसके घर पे। सो डेफिनेटली हर घर ध्यान कार्यक्रम स्टेट में सक्सेसफुल होगा और स्टेट का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने के लिए इसका बहुत ही फायदा होगा, इसे मुझे लगता है। इसीलिए हमने हर घर ध्यान एक कार्यक्रम आजादी के अमृत मोटिवेटिंग टॉक आणि कोऑर्डिनेटर्स म्हणून आम्ही त्यांना ऑर्गनाईज करणार। हाच्या पुढे आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे टीचर्स त्याच्या स्कूलांनी वचून व कार्यक्रम दिसून घेतो ना, डेफिनेटली सगळ्या स्कूलांनी, हाय सेकंडरीनी, हर घर ध्यान व कार्यक्रम प्रॅक्टिस करतो, जेणेकरून राज्यातला हॅपीनेस इंडेक्स वाढपा खातीर या कार्यक्रमाच्या खूप मोठ्या प्रमाणात मदत जातो। नॅशनल प्रोग्राम, इट इज अ नॅशनल प्रोग्राम, आझादी का अमृत काल या निमित्तात हा कार्यक्रम सगळीकडे ऑर्गनाईज होता, आम्ही आज प्रत्येक कार्यक्रम ऑर्गनाईज केला। आज ती मिटींग आपली सर, एक्स एम एल एज आणि एम पीज बिमपीज त्यांचे डिमांड केलं सांगता मागे